आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्री सुंदर धाम डेरिया आश्रम में 7 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ की हुई शुरुआत। 70 से अधिक वर्षों से आश्रम में जारी है इस महायज्ञ की परंपरा। गंगा दशमी के शुभ अवसर पर होगी श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति। मां नर्मदा के उत्तरी तट पर कई आश्रम और मठ मंदिर स्थापित है, जहां समय समय पर महायज्ञ के साथ धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष नर्मदा किनारे बने सुंदर धाम देरिया आश्रम में विष्णु महायज्ञ किया जाता है, जो इस वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा स्थित नर्मदा किनारे सुंदर धाम डेरिया आश्रम में सोमवार से आश्रम के गादीपति संत श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 बालक दास जी महाराज लोहा लंगड़ी के सानिध्य में विष्णु महायज्ञ शुरू हुआ, जिसमें यज्ञाचार्य पंडित जगदीश जी और पंडित रमेश चंद जी उज्जैन वालों के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन की शुरुआत की गई। आपको बता दें, प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार 7 दिवसीय महायज्ञ की पूर्णाहुति 20 जून को गंगा दशमी के शुभ अवसर पर दी जाएगी। सोमवार को शुरू हुए महायज्ञ के शुभारंभ पर आश्रम से जुड़े भक्त एवं बाहरी क्षेत्रों से आए यजमानों ने इस धार्मिक कार्य में हिस्सा लेकर पूजन अर्चन किया। संत श्री नारायण दास जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मलीन साकेतवासी संत श्री 1008 सुंदरदास जी महाराज द्वारा स्थापित इस आश्रम में 4 माह तक किए जाने वाले अग्नि तप की पूर्णाहुति के रूप में विष्णु महायज्ञ का आयोजन पारंपरिक रूप से हर वर्ष विश्व जन कल्याण, विश्व शांति, महामारियों की रोकथाम के साथ पर्यावरण की शुद्धि के लिए संत श्री महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बालकदास महाराज के सानिध्य में किया जाता है। इस यज्ञ के अंतिम दिन आश्रम परिसर में शोभा यात्रा के साथ भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते आश्रम में आने वाले समस्त भक्तों को प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ सिटी रिपोर्टर विकास पवार की रिपोर्ट। आज रामघाट संपूर्ण आश्रम में 73वां प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत सब महाराज जी के समय से या करते गंगा दशमी का जो विष्णु महायज्ञ है महाराज जी के समय से चला आ रहा है 73वां विष्णु महायज्ञ है और यज्ञ जो है यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से वेद मंत्र की ध्वनि से और वातावरण पवित्र होता है और यज्ञ का धुआं से आकाश मंडल पवित्र होकर के अनेक प्रकार की व्याधि दूर होती हैं, भगवान प्रसन्न होकर के और वर्षा करते हैं और सीताराम यज्ञ तो हमेशा होना चाहिए, सबको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के ही मौत गीता में बहुत बढ़िया भगवान ने बताए हैं अर्जुन को, इसलिए यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। कुछ करो या ना करो लेकिन यज्ञ जरूर करना चाहिए, तब यज्ञ हुआ, भजन यज्ञ हुआ और यज्ञ करने से सब विश्व में शांति रहती है। जो यज्ञ हो रहा है जो ये सब विश्व शांति के लिए कर रहे हैं महात्मा जो करते हैं अपने लिए नहीं, सब विश्व शांति। सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भागवेत्। इसलिए अन्य कई प्रकार की बात ये दूर होती हैं और यज्ञ ऐसा यज्ञ है, ऐसा विष्णु महायज्ञ है कि इसमें हम वर्णन नहीं कर सकते। सबको सुख शांति, अन्य कोई प्रकार के जो है वातावरण है, राग दोष हैं, अन्य कोई प्रकार की विवाद व्याधि हैं, ये सब व्यक्ति दूर होती हैं, इसलिए सबको यह करना चाहिए। गुरुदेव भगवान की विष्णु महायज्ञ की परंपरागत चला आ रहा है। ये बाबा गुरुदेव भगवान पूज्य श्री संत श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन साकेतवासी सुंदरदास जी महाराज की तपस्या से उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर धाम आश्रम स्थापित किया है। उसमें 4 महीने ध्वनि तपन का प्रोग्राम होता है, एक अनुष्ठान होता है, उसको अग्नि तप कहते हैं और अग्नि तप के उपरांत वो अनुष्ठान की पूर्णाहुति में विष्णु महायज्ञ का एक आयोजन होता है। वो विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और संसार में जो भी ये पृथ्वी पर महामारी अनेक प्रकार के उपद्रव शांति के लिए ये यज्ञ और वायुमंडल की शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन होता है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालकदास जी लोहा लंगड़ी सुंदर धाम आश्रम के गादीपति उनके द्वारा भी ये कार्यक्रम चला रहा है। यही कार्यक्रम में सभी भक्तों को
सभी समाज की जीव मात्रों को ये जागृत करने के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी आरोग्यता के लिए ही ये शुभ कार्य किया जाता है। जय श्री राधे नर्मदे।